हम लोग सी एस के की बात कर रहे हैं आई पी एल हुआ आप गए बीच में आ गए बहुत कहानियाँ चलती हैं ऑन एंड ऑफ द रिकॉर्ड किसी ने कहा कि सुरेश रैना को अच्छा रूम नहीं मिला महेंद्र सिंह धोनी जैसा <laughs> इसलिए खफा होके चले आए किसी नहीं नहीं, ने कहा फैमिली में डेथ हुआ था मैं गया था पंजाब फूफा जी के साथ उनकी पूरी फैमिली को जो कच्चे गैंग नहीं आते वो जो तेल लगा के पूरी फैमिली उन्होंने खत्म कर दी थी आपके तो फूफा जी फूफा जी हाँ उनकी बड़ी दादी भी थी वहाँ पे रहते थे ये अपना पठानकोट तो वहाँ गया था मैं फिर बाद में फिर वो एक ऐसा बबल बना हुआ था वापस नहीं जा सकते थे जब वो करके आया सारा मिलकर आया कि पापा बड़े परेशान थे वो मैंने क्रिकेट खेलते रहे डिटेल में बता दीजिए ये चीज़ क्योंकि अभी भी बहुत थ्योरीज चलती हैं नहीं उनको चोट लगी ना सारी जब कच्चे गैंग ने उन्होंने सब किया तो पूरा परिवार काफी परेशान था वो तो मैंने कहा ठीक है क्रिकेट आगे होगा फिर खेलेंगे वो

मैंने कहने घर जाते हैं अपना आराम से फैमिली को पहले थोड़ा इन्जॉय करने दीजिए हाँ आपका स्टेटमेंट भी यही आया था कि उसमें आपने कहा कि बायो बबल ही सेफ नहीं है तो कोई चांस क्यों ले नहीं बिल्कुल सारे सब के सब वायरस से चल रहे थे ना वो आप देखेंगे सबको कोविड टेस्ट चल रहा था हम मेरे तो रोज ही टेस्ट होते थे वो फगू जी इतना बड़ा हादसा था मम्मी फिर पापा मैंने बोला फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं पहले जाते हैं फिर वापस इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि बबल बनता है प्लेयर का वो पंद्रह दिन आपको फिर कोविड उसमें रहना है वो फिर आपको टेस्टिंग होगी अगर आप रहोगे नहीं तो मैं तीस दिन होटल में बैठा रहता वो अगर पॉजिटिव आते वो पहले तो अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि मैं अगर आप इस रूम में सब बंद हैं अगर वो टेस्टिंग हो रही है अगर मैं बाहर से आऊँगा तो वो तो अलाउड ही नहीं, नहीं करेंगे आप ये बात कह रहे हैं लेकिन अभी आप जिन ओनर की तारीफ़ कर रहे थे उनका स्टेटमेंट था कि सीज़न शुरू भी नहीं हुआ रहना निश्चित तौर पर समझेंगे वो क्या मिस कर रहे हैं और साथ ही वो सारा पैसा भी जो उन्हें नहीं मिलेगा पैसा नहीं चाहिए सर वही पैसा है मेरे पास बाद में अगर ऐसा होता तो मुझे खिलाते थे ना अगले साल वो वो तो सब चलते रहते वो दाल रोटी तो खा रहे सब पैसा तो यहीं रख जाएगा बैंक में ऊपर वाला बैठा पता नहीं कब कब चले जाएगा कोई भी पैसा इंपॉर्टेंट कभी नहीं था ना कभी होगा पहले था जब ज़रूरत थी अब ज़रूरतें पूरी हो चुकी अब घर है सब कुछ है वो बट उसकी वैल्यू उसके पीछे भागेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उसको खर्च कैसे करना है वो मैं, मैं मुझे बखूबी पता है वो शॉपिंग है ट्रैवल है तो करना बहुत ज़रूरी है